हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम टॉपिक करेंगे मल्टी लेवल पेजिंग। बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब वो बुक से पढ़ते हैं या इंटरनेट से देखते हैं, तो इसलिए वीडियो को ना थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से एक चीज को समझेंगे ताकि ये जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए इनकेस। तो कंसेप्ट को समझो कि मल्टी लेवल पेजिंग है क्या। हमारे पास पेजिंग के अंदर एक इश्यू आया या एक प्रॉब्लम आई जिसका सॉल्यूशन था हमारे पास मल्टी लेवल पेजिंग। इश्यू को समझते ताकि हमारा आधा काम हो जाए, देन चलेंगे इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, देखो एक चीज दी हुई है कि मेरे पास 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है जी। जो सीपीयू जनरेट करता है वो 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। पेज साइज मुझे बोला गया है 4 KB का है, मतलब कि भाई कोई प्रोसेस है मेरे पास जिसके अगर मैं पीसेस कर दूं और पेजेस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, उस पेज का साइज क्या है, मेरे को दिया हुआ 4 KB। मान लो 20 MB का आपके पास कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने उसके पीसेस कर दिया, सिर्फ ये प्रोसेस पड़ा मेरे पास 20 MB का, मान लो इसको मैं कहा गया कि इसके पीसेस कर दो, मतलब पेजेस कर दो, तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या बोला गया है, 4 KB का वन पेज। एक पेज का जो साइज है वो क्या बोला गया, 4 KB, ठीक है। जितना क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं। पेज टेबल एंट्री साइज, ध्यान से सुनना, पेज टेबल के अंदर जो एंट्री हम करते हैं उसका साइज क्या है, 4 bytes का, ठीक है जी। पेज टेबल के अंदर जो हम एंट्री करते हैं उसका साइज क्या है, 4 byte। देखो ये मेरा पेज टेबल है, पेज टेबल के अंदर हम एंट्रीज किसकी करते हैं कि पेज नंबर के साथ वो फ्रेम नंबर क्या है, तो इसकी हम एंट्रीज करते हैं। इस एंट्री को करने के लिए सपोज करो पेज नंबर 0 के अंदर गया, पेज नंबर किस 0 किसके अंदर मान लेते हो, फ्रेम नंबर 1 के लिए। अब इस चीज को डालने के लिए, इंफॉर्मेशन को डालने के लिए कोई तो स्पेस वो कैरी करेगा, कोई तो स्पेस लेगा वो, तो जो ये स्पेस लेगा इस एंट्री को डालने के लिए वो बोला गया है 4 byte का। इतना क्लियर हुआ कि पेज टेबल के अंदर जो मैंने एंट्री करनी है उसका साइज है 4 byte। इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। 4 KB को अगर आई बाइट्स में कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 4096, जिसको हम कह सकते हैं 2 raised to power 12, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस इसको तो 32 बिट्स दिया हुआ है, जिसको मैं 2 raised to power 32 बिट प्रोसेस साइज कह सकता हूं। ये हमारा एग्जैक्टली क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस बताता है कि कितने प्रोसेस का साइज है, मतलब जो मैं 20 MB कह रहा था, आप मान लो 2 raised to power 32 बिट का मेरा कंप्लीट एक प्रोसेस है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इतना धीरे धीरे एक एक स्टेप को क्लियर करते जाना, एकदम से भागने की कोशिश मत करना। अगर आपको पेज टेबल एंट्री साइज समझ में नहीं आया तो देखना पहले, तभी इस चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब मुझे ये निकालना है कि भाई मेरे पास ये चीज कितनी आई थी। अब मेरे को बता दी गई 2 raised to power 32 बिट का ये क्या है, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है जी। और मैंने जो उसके पीसेस करे वो करे 4 KB के। मुझे अगर ये निकालना कि मैंने कितने पेजेस बनाए, कितने पीसेस करे, तो कैसे करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, मतलब 2 3 2 divided by 4 KB करूंगा, यही तो होगा। वही देखो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं, 2 raised to power 32 divided by 2 raised to power 12, ये 12 कहां से आया, 4 KB, 4 KB इसको तो 2 12, ठीक है, जो कि मुझे क्या देगा, मैं माइनस कर दूंगा 32 में से 12, क्या आएगा मेरे पास 2 raised to power 20। ये इतने कितने पेजेस बने, 2 की पावर 20 मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस आ गए, मतलब मैंने इतने पीसेस कर दिए, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या कहा गया कि एक पेज की जो पेज टेबल के अंदर एंट्री होती है वो कितना स्पेस लेती है, 4 byte का, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है जी। एक पेज टेबल के अंदर, एक पेज टेबल जो पूरा बनता है उसके अंदर कितनी एंट्रीज जाती है, जितने मेरे पेजेस बनते हैं, इतना तो क्लियर है कि भी जितने पेजेस बनेंगे उतने ही मेरे पेज टेबल के अंदर एंट्री करेंगे हम, ठीक है जी।
पेज टेबल के मेरे पास पेजेस कितने बने, 220। ओके, अब देखो अगर एक पेज एंट्री 4 बाइट लेके तो 2^20 पेज की एंट्री कितना स्पेस लेगी, मतलब 4 को मैं 220 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि क्या आएगा 4 MB, मतलब क्या हो जाएगा ये मेरे पेज टेबल का साइज हो जाएगा। अगर एक एंट्री 4 बाइट लेती है और मुझे 2^20 एंट्रीज करनी है तो कितना बड़ा टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 MB का मेरा एक टेबल हो जाएगा। हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे चलते। इशू क्या था, मुझे अब इतना क्लियर हो गया कि भाई इन एंट्रीज से मेरे पास जो टेबल बना, ठीक है जी, वो 4 MB का हो गया, मतलब 4 million bytes का हो गया। आगे चलते हैं। एज वी नो, हमें पता है कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है, मतलब जो प्रोसेस को मैंने काट के पेजेस में कन्वर्ट किया 4 KB में, अगर मैं मेन मेमोरी का पेजिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं तो फ्रेम का साइज भी क्या होगा, मतलब मेन मेमोरी के अंदर भी जो हमारे पीसीस कटेंगे वो कितने साइज के कटेंगे, पेज साइज के, वो कितने है 4 KB, मतलब फ्रेम का साइज इक्वल टू पेज साइज इक्वल टू 4 KB। ओके, अब एक चीज बताओ मेरे पास ना, देखो दो चीजें थी, अब मैं इस पेज टेबल को या तो रजिस्टर में डालूं या मैं डालूं मेमोरी में। रजिस्टर में डालूंगा और अगर रजिस्टर का साइज इतना नहीं होता हमारे पास 4 MB, वो तो फास्ट स्पीड होते हैं इसलिए कम साइज रखा जाता है उनका, ताकि जल्दी से डेटा सर्च करके निकाल के छोटी चीजों को हम लेके आ सके। इसलिए मैंने क्या किया, उस पेज टेबल को मेन मेमोरी में डालना था, मतलब फ्रेम के अंदर डालना, मेन मेमोरी फ्रेम में डिवाइड है। अब एक चीज बताओ कि वी ऑल्सो स्टोर पेज टेबल इन फ्रेम, ठीक है जी, अगर या तो फ्रेम में कर लो या रजिस्टर में कर लो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो हम चेंजेस करते गए। अभी हम मान रहे हैं ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहां पे मैं अपने पेज टेबल को फ्रेम के अंदर डाल रहा हूँ। कंसेप्ट आता है कि देखो बट साइज ऑफ पेज टेबल तो 4 MB है और फ्रेम का साइज क्या मेरे पास 4 KB। भाई अब एक चीज बताओ, ये 4 MB की चीज मैं कैसे 4 KB के अंदर डाल दूं, मतलब 2 किलो की थैली और 100 किलो उसके अंदर सामान कैसे भर दोगे, फट जाएगा ये, डलेगा नहीं, सीधी सी बात है। 2 बंदों की टेबल है, खाना खाने गए हैं 10 बंदे, 10 बंदे कैसे 2 टेबल के ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कैसे करें। तो ये था इशू मेरे पास पेजिंग के अंदर कि भाई इसे सॉल्व कैसे किया जाए कि 4 MB का जो मेरे पास टेबल बन रहा है उसको उठा के मुझे कहाँ रखना है, मेमोरी के अंदर, फ्रेम के अंदर, साइज उसका 4 KB है, तो कैसे किया जाए, कुछ तो लॉजिक बनना चाहिए। तो कंसेप्ट आया, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो समझ लो आधी जंग आपने इस टॉपिक की जीत ली। इसके बाद इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेन बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं किस तरीके से कैसे क्या चीज आ रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते, मेरे पास कंसेप्ट आया मल्टी लेवल पेजिंग। एक चीज बता दूं, ये कंसेप्ट आप पहले भी कर चुके हो DBMS के अंदर, जहां पे टॉपिक आते थे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे हम डेटा निकालते, तो DBMS में हैशिंग, मल्टी लेवल हैशिंग, पेजिंग, ये काफी कंसेप्ट है, पेजिंग के नाम था, हैशिंग, मल्टी लेवल हैशिंग, इस वे में था, ठीक है। अब चलते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकला इसका। तो मल्टी लेवल पेजिंग बेसिकली थी क्या, यहां पे चलते, पहले मेरे पास ये प्रोसेस है जिसको मैं मान के चला था 2^32 bits का प्रोसेस है ये, मान लिया, ठीक है जी। ये पेज है जो जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे समझना, इधर उधर देखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये रेड वाले में क्या है, पेज नंबर, ठीक है जी, हम ये तो करते हैं जब उसको डिवाइड करते हैं, ये पेज नंबर और इसके अंदर मैंने क्या रखा होता है, फ्रेम नंबर, ठीक है जी। प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया मान लो, तो क्या होता, हम पेजेस में डिवाइड करते हैं। अब इसका एक पेज टेबल है, ठीक है जी, ये पेज टेबल के अंदर मैंने क्या किया, इसका पेज टेबल जो बना रहा हूं, पेज नंबर रखा और वो किसको अलॉट है, किस फ्रेम के अंदर जाके डाल दिया गया है उसका नाम, मतलब 0 वाला F1 में 0, F3 के अंदर 1, क्लियर हुआ, ये तो आपको सबको पता ही है। अब मेरे को क्या करना, प्रॉब्लम आ गई 4 MB की, भाई ये जो टेबल बन रहा है ये बन रहा है 4 MB का, अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होता कि मेरे पास जो टेबल है 4 MB की जगह इतने का बनता जितने का मेरा फ्रेम साइज है, जैसे कि मैंने पेजिंग में किया, पेजेस को जिस साइज में काटा उसी को मैंने फ्रेम साइज में काटा, दोनों इक्वल साइज के तो फिट हो गए,
बट यहाँ पे 4 MB का टेबल बन रहा, अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए कि मैं भी सेम साइज का अगर काट सकूं मान लो, या ठीक है जी, मतलब इतनी जगह तो कि हाँ भाई मेन मेमोरी मेरे को ले सके, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वहां पे क्या किया, मान लो इसकी कैलकुलेशन अभी मैं निकाल के देता हूं आपको कि इसको क्या करना है हमें। हमारे पास था 4 MB, देखो ध्यान से, 4 MB को मैंने अगर डिवाइड कर दिया 2 रेस्ट टू पावर 12 से, तो ये आता है मेरे पास 2 रेस्ट टू पावर 10 एंट्रीज। ठीक है जी, मतलब ये टोटल मिला के 4 KB का बन जाएगा मेरे पास टेबल जो मैं बना रहा था। बट इसको करे कैसे, इस चीज को देख लो, 4 MB को मैंने डिवाइड किया 2 रेस्ट टू पावर 12 से, जो कि मेरे को क्या लगी 2 रेस्ट टू पावर 10, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास इतने साइज का एक पेज टेबल बन जाएगा, जो कि 4 KB का होगा। 2 रेस्ट टू पावर 10, 2 रेस्ट टू पावर 12 क्या होता है मेरे पास 4 KB, ठीक है जी, जिसके अंदर एंट्रीज कितनी होगी 2 रेस्ट टू पावर 10। ओके, अब बात आती है, सुनो ध्यान से, ये तो सिंपल मेरे पास एक टेबल पड़ा है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, जिसको मैंने क्या किया, प्रोसेस था पेज बनाए, पेज को फिर मैंने किस फ्रेम में डाला, उसका टेबल बना लिया। अब बात आती है कि बन गया 4 MB का कैसे करें। तो हमने एक छोटा दिमाग लगाया कि क्यों ना पेज को फर्दर पेजिंग में डिवाइड कर दिया जाए, पेज को फर्दर एक पेजिंग में डिवाइड कर दिया जाए। पहले तो मैं सिंगल एक पेज लेके चल रहा था, अब मैं उसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूं मल्टी लेवल पेजिंग में, मतलब पहले सिंगल लेवल था, उसको काट के फिर से मैंने क्या किया, दूसरे ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे काटने का मतलब ये नहीं कि एक पेज जिसको काट दिया, नहीं, यहाँ पे सिस्टम क्या है, देखो इन दो को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, और किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकूं, तो क्या होगा भाई, मुझे जहां मेंटेन करना है इसको, उसका साइज कम हो जाएगा। अभी ये था 4 KB, ये 4 KB, अगर मैं इन दोनों को किसी एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकूं, तो एक तरीके से 8 KB को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 KB से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस 4 KB को उठाऊंगा फ्रेम में डाल दूंगा, सीधी सी बात, इस 4 KB को उठाऊंगा फ्रेम में डालूंगा, ऐसे नेक्स्ट दो वाले को कंबाइन कर दिया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया किसी एक बिट से, ठीक है जी, मतलब एक से जो टेबल के अंदर एंट्री जाएगी उसको उठाया, अलग से डाला, 4 KB में ट्रांसफर कर दिया, ये 8 था, ये 8 था, इसको मैंने क्या किया, 4 में डिवाइड किया, डाल दिया, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन बनाया और रिप्रेजेंट कर दिया 4 किलो बाइट से ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होगा कि भाई जो फ्रेम का साइज था और जो मैंने नया टेबल बनाया उसका साइज सेम है, तो वो क्या हो सकते हैं, आपस में उसके अंदर जाके शिफ्ट हो सकता है, जो मैंने अभी कैलकुलेशन में किया। तो इसका फंडा क्या है, अब देखो ये तो मुझे पता है कि ये पेज नंबर है, ये F1 है, ये 1 है, ये F3 है, जो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, इनकी ग्रुपिंग कर दी कि भाई जो 0 1 की वैल्यू है ना, उसको मैंने ग्रुप कर दिया, उसको रिप्रेजेंट किया 0 से, देखो ये 0, ये वाला 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे फर्दर एंट्रीज है नीचे। क्या हुआ, ये वाली एंट्री तो इसके अंदर है और ये 0 के अंदर F6 मुझे क्या बताएगा बेसिकली कि भाई मैं अंदर किसके अंदर मेरे पास क्या डेटा है, तो वो लेके जाएगा F6 पे आया मैं 0, जो बेस एड्रेस मुझे देगा, यहां से मुझे चीज मिलेगी ये कि F1 पे जाना है, F3 पे जाना है। अभी कंसेप्ट बताऊंगा, पेजिंग को समझ लो कि एक के अंदर मैंने एक चीज डाल दी, मतलब नेस्टिंग होती है, एक तरीके से लेवल क्रिएट कर दिए, ग्रुपिंग क्रिएट कर दी कि भाई मैं अब दो चीजों को एक से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कंसेप्ट चलेगा कैसे, देखो सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो था 32 बिट्स का, ठीक है, 32 बिट्स को 3 पार्ट्स में काटा गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 10 बिट 10 बिट 12 बिट, ठीक है जी, ये मुझे पता है क्या होती है ऑफसेट, ठीक है जी, जिससे मुझे एग्जैक्टली जो चीज पे काम है ऑफसेट, पेज के अंदर एग्जैक्टली मुझे किस लोकेशन पे जाना है इंटरनली जाके, वो होता है ऑफसेट। अब देखते क्या होता है, यहां पे एक चीज आती है PTBR, प्रोसेस टेबल बेस रजिस्टर, इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने टेबल सेव किया है वो भी तो किसी फ्रेम में सेव किया, मुझे उसका भी तो एड्रेस चाहिए, मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, सपोज कर लो ये टेबल या ये टेबल किसी फ्रेम में पड़े हैं, उसकी भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले PTBR में क्या आएगा,
फ्रेम नंबर आ जाएगा कि वो टेबल पड़ा का है, ठीक है जी। उस पेज टेबल पे पहुंचना है, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 10 bits। वो 10 bits क्या है, वो 10 bits बता रही है मेरे को पेज नंबर आउटर पेज टेबल का। दो पेज बने, एक तो इनर जो एग्जैक्टली मेरे पास पहला बना था, बाद में जो मैंने ग्रुपिंग करके बनाया उसको मैंने कहा आउटर, ठीक है जी। आउटर बाहर है, इनर जो मेरा एक्चुअल में है। अब देखो क्या हुआ, इस 10 bits को उठाया, इसके साथ जोड़ेंगे तो सपोज कर लो मेरे पास आ गया रिजल्ट में 1, ठीक है, फ्रेम के साथ आ गया 1। 1 मुझे क्या बता रहा है, F4 मैंने ले लिया। F4 के साथ अगर मैं ऐड कर दूं नेक्स्ट 10 bits, जो क्या बताती है मुझे, ये पेज नंबर की ये जो एग्जैक्टली ये पेज नंबर है 2 है या 3 है, ये पेज नंबर देंगे। ये वाला पेज नंबर कौन सा होगा, आउटर का, ये पेज नंबर होगा इनर का, आउटर का इनर का, आउटर पेज और ये होगा इनर पेज, ठीक है, इनर पेज। जो फ्रेम आया उसके साथ मैंने पेज नंबर अटैच किया, तो मुझे समझ लो सपोज कर लो 2 मिला या 3 मिला, कुछ भी मिला, ठीक है, सपोज कर लो 3 मिला। F7 पे जाऊंगा, F7 क्या होगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। F7 का मतलब क्या हुआ, इसका बेस एड्रेस कि वो एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से है, ठीक है, वो एड्रेस गया डी के साथ अटैच हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब प्लस होने के बाद क्या होगा, इसको मेरे को मिल गया ये फिजिकल एड्रेस, वो जाएगा आगे जो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, F7 को। मेरे को मिल गया 3 के अंदर जो डी का डेटा है, जैसे सपोज कर लो ये डी है, यहां पे जाएगा अपना काम करेगा क्योंकि मेरा डेटा सेव यहां पे है, ठीक है। छोटी सी कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि ये भी 1 है तो ये भी 1 है, भाई हम चीजें यहाँ पे सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, इंटरनली तो 500 रजिस्टर लगे हैं, 500 इसके अंदर छोटी छोटी चीजें लगी है जो क्या करती है, प्रोसेस की आईडी सेव कर रही है, कोई इंटरमीडिएट डेटा सेव कर रहे हैं, तो उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सारी पड़ी है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि जिस पेज की डिमांड करी गई है वो किस प्रोसेस को बिलोंग करता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 3 पे पहुंच गया, 3 में मुझे डी बताएगा कि इंटरनली कहाँ जाना है, वहां जाके ऑफसेट एड्रेस जो दिया होगा, जाके अपनी इंस्ट्रक्शन का जो भी डेटा वो निकाल के सीपीयू को आगे दे दूंगा, समझ गए बात। तो ये था कंसेप्ट मल्टी लेवल पेजिंग का, जहां पे हमने क्या किया, पेज के अंदर पेज बना दिया, जिससे क्या होगा कि मेरा साइज वाली जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा साइज होगा टेबल का जो या तो इक्वल होगा फ्रेम साइज के या कम होगा, जिससे क्या होना है कि मैं उसको फिट कर सकूंगा मेन मेमोरी के अंदर यानी फ्रेम के अंदर। तो ये था मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट, एक बार देखना, दो बार देखना, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।